हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो चलिए फिर से एक नए क्वेश्चन के साथ मैं फिर से आपके सामने हाजिर हूं। तो आइए इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट लें। बट सबसे पहली बात, आप अटेम्प्ट लेंगे, आप ट्राई करेंगे ठीक से आराम से, बन गया तो देखना है, मिलाना है कि सही बना कि नहीं बना, और नहीं बना तो भी देखना है भैया, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं, बट सबसे पहले आप अटेम्प्ट लेंगे, ठीक है ना। वीडियो को पॉज कर लेना, अटेम्प्ट ले लेना। चलो भाई, तो हम क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, इन अ क्लोज्ड सर्किट द करेंट आई एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम। किसी टाइम पर करेंट जो सर्किट में पास हो रहा वो दिया गया है, आई इज इक्वल टू 4 - 0.08 t। चलो बढ़िया है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग इन 50 सेकेंड, मतलब 50 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन, 50 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, ये ऑप्शन है हमारे सामने, ठीक। तो देखिए, बेसिकली आई इक्वल टू होगा dq/dt किसी इंस्टेंट पे 0.08 t। तो बेसिकली हम लोग को यहाँ पे चार्ज निकाल लेना चाहिए, तो dq इज इक्वल टू होगा 4 - 0.08 t dt, और इसे मुझे इंटीग्रेट कर लेना चाहिए 0 से q, और 50 सेकंड बताना है तो 0 to 50, ठीक है भाई। चलो अब मैं इसे इंटीग्रेट करूंगा, यहां करते हैं तो dq कंडीशन q हो गया, लिमिट लेंगे q - 0 यही रहेगा। अब देखिए 4 dt, पहले तो ब्रैकेट खोलेंगे तो ऐसे लिख देंगे 4 dt 0 to 50 और -0.08 t 0.08 t dt 0 to 50। चलो भाई बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे 4 बाहर आ जाएगा, dt कंडीशन क्या होता है t, तो चलो भाई t आ गया 0 to 50, -0.08 बाहर आ जाएगा, t dt कंडीशन कितना होगा t²/2, ठीक है t²/2, लिमिट 0 to 50। चलो बहुत शानदार, मजा आ गया। अब इसमें हम लोग को 50 सेकेंड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताना है ना, ठीक है। ये इसको मिटा रहा हूं, है ना, इधर की साइड मिटा रहा हूं भाई 50 सेकेंड में, ठीक। चलिए अब इसको इंटीग्रेट करना था ना, हाँ भाई, तो क्यू इक्वल टू, चलिए 4 ऐसे ही रहेगा और लिमिट रखेंगे 50 - 0 तो 50 हो जाएगा, ठीक है भाई, -0.082 by 2 है ना, 2 आगे कर लेते हैं, टी स्क्वायर, तो 50 का स्क्वायर कितना होगा 2500, और -0 तो खत्म ही हो गया, ठीक है। चलो डेसिमल से 2 जीरो तो उड़ जाएगा, यहाँ पे यह आ जाएगा 200 माइनस, और ये 4 आ जाएगा 25 × 4 = 100, तो q इक्वल टू हो गया 100 कूलम, ठीक है भाई। चार्ज तो निकल गया, बट हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, q इक्वल टू एनी करेंगे, ऑब्वियस सी बात है ना, लेटर सपोज एन इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है तो q इक्वल टू एनी, तो हम लोग 100 इज इक्वल टू एनई करेंगे, तो n इक्वल टू आएगा 100/1.6 × 10⁻¹⁹, ठीक है। एक काम करते हैं, देखिए यहां पे 1/1.6 × 10⁻¹⁹ ऊपर जाएगा, तो 2 तो पहले से +19, और 1/1.6 कितना होता है 0.625, यार ये तो जग जा ही रहे, ठीक है, डिवाइड करके देखोगे तो यही आएगा, ये मिटा रहा हूं, ठीक है, तो ये मिटा रहा हूं भाई, और मेरे को देखना है ये रिजल्ट। तो n इज इक्वल टू कितना आएगा भाई, n इक्वल टू आएगा 0.625 × 10⁻², ठीक है। तो देखते हैं ऐसे करके कुछ ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन मिल सकता है 6.25 कर लोगे तो इधर आ जाएगा 10⁻², तो हमारा आंसर क्या आएगा 6.25 × 10⁻², यानी हमारा ये सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। मजा आया, तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन था और थोड़ा सा कैलकुलेशन था, लिटिल बिट इंटीग्रेशन का है ना, बट कोई नहीं, बन गया, ठीक है। और आपसे अगर बन गया तो वेरी गुड, एक्सेलेंट। चलो भाई, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।